हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। इतनी सारी सब्ज़ी देखकर ही आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मीनाक्षी ने सब्ज़ी की शॉप खोली है। जी हाँ, आज मैंने बहुत सारी सब्ज़ी खरीदी है। मैं अब इन दिनों में, जबकि ये कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो इन दिनों में काफ़ी सारी सब्ज़ी एक साथ ही खरीद लेती हूँ और उसको एक साथ उसे मैं स्टेरिलाइज्ड या फिर कह सकते हैं सैनिटाइज करके रख लेती हूँ। फ्रिज में तभी स्टोर करती हूँ जब मैं उसे अच्छे से बैक्टीरिया वायरस फ्री कर लेती हूँ। जब मेरे मन में तसल्ली हो जाती है कि सब्ज़ी एकदम साफ़ हो गई है, उसके बाद ही मैं उसे फ्रिज में स्टोर करती हूँ। जब भी यूज़ करती हूँ तब भी मैं उसे अच्छे से वॉश करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि सब्ज़ी को घर में जो भी चीज़ आपको उपलब्ध है उससे कैसे उसे आप सैनिटाइज करें। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सब्ज़ी आप एक ही सब्ज़ी वाले से ख़रीदें, अलग अलग लोगों के संपर्क में बिल्कुल ना आए। तो ये सब्ज़ी मैंने घर के बाहर एक सब्ज़ी वाले भैया आते हैं उन्हीं से सब्ज़ी खरीदी है। तो आइए देखें। जैसे ये है प्याज और आलू को अगर आप नहीं धुलना चाहते हैं तो आप इन्हें धूप में 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, या फिर छांव में ही 3-4 दिन के लिए क्वारंटाइन करके छोड़ दें, तो इसके वायरस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं तो इन्हें आजकल धुल के यूज़ कर रही हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं सबको धुल के यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि फल है, कोई भी केला है, अंगूर है, कुछ भी है, सबको गर्म पानी में धुल रही हूँ। क्योंकि सब्जी थोड़ा बहुत मुरझा जाती है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमारा स्वस्थ रहना। और ये देखिए, ये जो मैंने सीताफल लिया है ये मैंने साबुत लिया है, कटा हुआ नहीं लिया। कटा हुआ लेना रिस्की है थोड़ा सा आजकल, तो कोशिश करें कि आप साबुत फल या साबुत सब्जी ही लें। और ये खीरा, इस तरीके से मैंने ये सब्जी ले ली है। अब मैं इन्हें आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से सब्जियों को साफ करती हूँ और इन्हें कैसे खाने योग्य बना लेते हैं हम, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सावधानी का टाइम चल रहा है। ये देखिए, हर सब्जी को मैं बहुत अच्छे से साफ करूंगी, चाहे वो धनिया है, मटर है, जो भी चीज़ है, धनिया पुदीना कुछ भी है, सबको साफ करेंगे, क्योंकि आजकल सावधानी ही बचाव है। देखिए, सारी सब्जियों को पहले तो मैं खोल देती हूँ अच्छे से और इसको हम फिर स्टोर करके रखेंगे। जब ये सारी सब्जियां साफ हो जाएंगी तो स्टोर करके रखेंगे। तो आइए इनको साफ करना शुरू करती हूँ। और इसके बाद देखिए, जो सर्फ, इसमें थोड़ा सा मैं सर्फ डालती हूँ। सर्फ सभी घरों में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप वो डाल लें, अगर आपके पास सिरका है वो आप इसमें डाल सकते हैं, विनेगर। लेकिन सब्जी काफी सारी होती है तो इस तरीके से इस टाइम तो अगर हमारा विनेगर वगैरह खत्म भी हो जाएगा तो हमें नहीं मिल पाएगा। सर्फ वगैरह इजीली अवेलेबल है, तो मैंने तेज गर्म पानी लिया है। अब इसके बाद में थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाऊंगी। वायरस को मारने के लिए मैं काफी तेज पानी, गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें सब्जी को थोड़ी देर डिप कर दूंगी, बस और पानी डाल देती हूँ। सब्जी को डिप हो गया, 50 अबव टेम्परेचर की करके डिस्ट्रॉय होता है। और इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे ज्यादा असर कारक है साबुन। साबुन जो है वो इस वायरस का जो अंदर का प्रोटीन है, बाहर की लेयर को तोड़ करके उसके प्रोटीन को एकदम से बर्स्ट कर देता है, वायरस नष्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो इफेक्टिव है वो है सर्फ या साबुन, किसी भी प्रकार का साबुन या सर्फ हो। तो आजकल तो बाथरूम में हमारी सब्जियां भी नहाने लग गई है खूब अच्छे से, पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जितनी भी सब्जी हो सकेगी मैं इसमें इसे डिप कर दूंगी। और मेरा ये काफी दिन का काम समाप्त हो जाएगा। इस सब्जी को मुझे साफ करने में करीब करीब 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं इसे 10 मिनट के लिए डिप भी करके रख दूंगी। सब्जी को, सारी सब्जी मैं इसमें डाल दूंगी। तो आप भी इसी तरीके से साफ कीजिए। ये मत सोचिए कि ये सर्फ है या क्या है, थोड़ा बहुत स्मेल हो जाती है सर्फ की जैसे इसमें। तो जब हम इसे धूप में या फिर छांव में सुखाएंगे सब्जी को तो आराम से निकल जाती है, और सादा पानी से भी हम इसे धुलेंगे तो वो भी चली जाएगी। तो देखिए, थोड़े इस तरीके से मैं डिप कर दूँ, और मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं और पानी डाल दूंगी, गर्म भी और ठंडा भी। तो थोड़ा सर्फ डालेंगे इसमें, और देखिए इतना तेज है कि मैं आप से रोक नहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा और डाली थी।
बाद में इसे लिख के ये डालती हूँ। अदरक, अदरक को तो साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से रगड़ रगड़ के ये भी डिप कर लेंगे। अब ये मैं जाने सब्जियां किस किस के हाथों से लगी है, कहीं इसे किसी संक्रमित व्यक्ति ने तो नहीं छुआ है, इसीलिए हमें सब्जियों को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके बाद ही मैं इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखूंगी, रेडी टमाटर की। और उसके बाद भी मैं जब भी यूज करूंगी निकाल निकाल करके, तब भी मैं इन्हें अच्छे से धुलती हूँ। ऐसा नहीं है कि साफ कर दिया है तो उस टाइम पे हम इसे नहीं धुलेंगे, अच्छे से धुलेंगे। देखिए नींबू को भी डाल देंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये पॉलीबैग्स में हमें मिल रहा है, वैसे तो पॉलीबैग्स लेने ही नहीं चाहिए लेकिन सब्जी वाले ने मुझे दे दिए, तो इनको तुरंत ही डस्टबिन में फेंक दें, इनको नहीं रखना है। तो हरी मिर्ची तो मैं एक साथ करूंगी, धनिया हरी मिर्ची को साफ कर इसे साइड में रख देती हूँ, ऐसे फेंक दें। और जब आप सब्जियों को साफ कर लें उसके बाद में जिस भी बास्केट में आप रखें वो बास्केट एकदम से साफ सुथरी होनी चाहिए, उसे भी आप बहुत अच्छे से गर्म पानी से और साबुन से उसे साफ कर लें। देखिए इवन मैं धनिया जो है, ये धनिया पुदीना जो है, इसको भी मैं गर्म पानी से ही साफ करूंगी, क्योंकि इनका जो हम प्रयोग करते हैं, हम चटनी वगैरह में करते हैं, तो ये मतलब कच्चा यूज करते हैं ज्यादातर, तो इससे क्या होता है कि वायरस जाने का ज्यादा खतरा रहता है, तो इसे भी मैं गर्म पानी से ही साफ करूंगी, सर्फ से और गर्म पानी से। उसके बाद में इसे नॉर्मल पानी से धुल देती हूँ, उसकी स्मेल भी चली जाती है। अब हमारी ये वाली सब्जी को टाइम पूरा हो चुका है, हम इस तरीके से इनको रगड़ देते हैं अच्छे से। और एक चीज और है, आप सब्जी को जब खरीदे तो ये देख लें कि सब्जी में कहीं भी कोई छेद नहीं होना चाहिए अंदर तक। हम देखिए करेले हैं, अब करेले को जब मैं बनाऊंगी तो पहले तो मैं छिलके वगैरह सब डाल लेती थी, लेकिन अभी आजकल का जो समय चल रहा है उसमें मैं इसके छिलके को यूज नहीं करूंगी, अच्छे से रगड़ रगड़ करके सारी सब्जियों को साफ करूंगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम बहुत ही सस्ते में घर पर सर्फ से सब्जियों को सैनिटाइज कर सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस फ्री कर सकते हैं और उन्हें खाने के योग्य बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि अगर और भी अदर केमिकल्स से हम इन्हें साफ़ करना चाहेंगे तो उन्हें खरीदने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन सर्फ तो घर में अवेलेबल होता है, तो इसी तरीके से आप सब्जियों को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने सब्जियां निकाली हैं इसमें, और इसका मैं एक बार को पानी चला दूंगी रनिंग वाटर। दोस्तों साबुन के पानी में डिप करने के बाद में हमें सब्जियों को बहुत अच्छे से रनिंग वाटर में धोना है ताकि सारा सर्फ निकल जाए। अब मेरी यहाँ पर सब्जियाँ बहुत सारी थी तो मैं बाथरूम में इन्हें साफ कर रही हूँ, अदरवाइज अगर सब्जियाँ कम हैं तो आप ये काम किचन में कर सकते हैं सिंक का पानी रोक कर। हमने फिर से एक और पानी का और सर्फ का पानी, और इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू प्याज धोना ऑप्शनल है लेकिन मन की तसल्ली के लिए धो लेना ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद मैं इसे एक दो घंटे के लिए धूप में डाल दूंगी, हल्की सी धूप में, ताकि इनका मॉइस्चर उड़ जाए। प्याज और आलू का भीगने के बाद खराब होने का डर रहता है थोड़ा सा, मैंने डाल दिए थोड़े, इसको भी हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए जब बास्केट टाइम मैंने इसकी सब्जी निकाली है तो मैं इसे भी अच्छे से साफ कर लूंगी गर्म पानी से, ये बहुत तेज गर्म पानी है। जो हमने टमाटर वगैरह करे थे इसको भी हम इसमें निकाल लेते हैं, नींबू टमाटर और अदरक भी भिगो के 10 मिनट हो गई है इसको ऐसे निकाल। तो हम चीजों को जितना भी साफ कर सकें वो अपने माइंड का यूज करके करें। इवन मैं तो जो जैसे कोई भी पैकेट वाली चीज आ रही है जिस जो सील पैक पैकेट होते हैं, जैसे कि चिप्स का है या बिस्किट, मतलब तो जिसमें भी एयर होती है अंदर, तो सबसे पहले तो उसे खरीदने से पहले ये देख लें कि वो पैकेट लीक तो नहीं है कहीं से भी। और
उसे आप उसे भी धो लें, आप इसको क्लियर करना एकदम से। तो जैसे कि मैंने अभी एक बूंदी का पैकेट खरीदा था तो उसको मैंने सबसे पहले साबुन से धुला, उसके बाद ही मैंने उसे ओपन किया। अदरक को काफी अच्छे से धुल लें सादा पानी से, नहीं तो हमारी चाय फटने का डर रहेगा। सर्फ अगर इसमें रह गया तो इससे चाय फट सकती है क्योंकि उसमें दूध डलता है। खूब अच्छे से धुल लें इसे। ये धुल चुके हैं, इसको भी हम रख देंगे। अब दोस्तों आप फ्रूट्स को भी यहाँ पर इसी तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं, उन्हें बैक्टीरिया वायरस फ्री कर सकते हैं। इस तरीके से आप सब्जियों को और फलों को 99.99% बैक्टीरिया वायरस और जर्म्स फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही इजीली घर में जो सर्फ अवेलेबल है उससे हम सारी सब्जियों को साफ़ कर लेंगे। अब जैसे मटर है, मटर को मैं साबुत भी साफ़ कर रही हूँ और इसके बाद में सारी मटर के दाने निकाल करके उसको भी गर्म पानी में साफ़ करके और एक कंटेनर में भर के रख लूँगी और जैसे भी यूज़ होगी उसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो बहुत ही आसान तरीका है ये सब्ज़ी को स्टेरिलाइज्ड करने का, सैनिटाइज करने का। तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि आपको सब्ज़ी को साफ़ करने के लिए उसे पेस्टिसाइड्स जितने भी होते हैं उससे भी ये सब्ज़ी हमारी फ्री हो जाती है। उसके लिए हमें किसी केमिकल की या बाहर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सबसे ही सब्जी को बहुत अच्छे से साफ सुथरा बना सकते हैं, खाने योग्य से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इस तरीके से बहुत ही मेहनत से सारी सब्जी साफ कर ली है। इससे सब्जी काफी हद तक सेफ हो गई है, इसमें किसी प्रकार के कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं रह गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से सब्जियों को साफ कीजिए, फलों को साफ कीजिए, या फिर दूध का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, या मैगी का पैकेट है, कोई भी है जो भी आप लाते हैं उसको इस तरीके से जरूर सर्फ से साबुन से धुलिए। और अगर आपके पास बहुत सारा विनेगर है उससे धुलिए, अगर आपके पास बेकिंग सोडा है उससे धुलिए, बट सर्फ ज्यादा इजीली अवेलेबल है तो मैं तो सर्फ का यूज कर रही हूँ आजकल। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।